गांधी जयंती के अवसर पर दुर्ग में हमर दुर्ग लोक कला संस्था के बैनर तले मैं गांधी बन जाऊं का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने महात्मा गांधी की वेशभूषा में पहुंचकर अपनी प्रस्तुतियां दी। हमर दुर्ग लोक कला संस्था के बैनर तले 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर दुर्ग के हिंदी भवन के सामने सोमवार को भजन एवं प्रेरणा स्रोत गीत के साथ ही मैं गांधी बन जाऊं के फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में शासकीय और प्राइवेट स्कूल के नन्हे छात्राओं ने महात्मा गांधी जी की वेशभूषा में पहुँचे। इस अवसर पर शहर विधायक अरुण वोरा ने महात्मा गांधी बने बच्चों के बीच पहुँच अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, साथ ही उन्होंने सभी के सामने एक गीत भी गाया। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित स्कूली बच्चों ने महात्मा गांधी की वेशभूषा में पहुंच अपनी अपनी प्रस्तुति दी, जिसे उपस्थित जजों द्वारा सराहा गया। वहीं इस दौरान बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों ने भजन एवं प्रेरणा स्रोत गीत का आनंद उठाया। इस दौरान शहर विधायक ने कांग्रेस के द्वारा निकाली गई भरोसा यात्रा और महात्मा गांधी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। वहीं कार्यक्रम के प्रभारी शिवकांत तिवारी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को और लाल बहादुर शास्त्री जी को नमन कर रहा है। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, न केवल आज़ादी की लड़ाई लड़ी बल्कि हमको उनके नेतृत्व में आज़ादी भी मिली। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र का ध्वज लहराया। इसके बाद जितने भी प्रधानमंत्री बने उन्होंने नेहरू जी के रखी गई आधारशिला को आगे बढ़ाया और हिंदुस्तान का नाम विश्व के नक्शे में सबसे ऊपर ले जाकर खड़ा कर दिया। लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री के रूप में उनका समय बहुत अल्प था, 17 महीने तक वे इस देश के प्रधानमंत्री थे, लेकिन 17 महीने में जो उन्होंने कार्य किया है उसे कभी भी विस्मृत नहीं किया जा सकेगा। आज यहाँ पर जहाँ हम खड़े हैं, हमारे दुर्ग के बहुत ही वरिष्ठ श्री शिवाकांत तिवारी जी, जो स्वयं एक कलाकार हैं और कलाकारों के महत्व को समझते हैं, साथ ही साथ जहाँ कला है वहाँ राष्ट्रीयता भी है, तो राष्ट्रीयता की भावना से भी वे ओतप्रोत हैं और उन्होंने 2 अक्टूबर के इस आयोजन में लगभग शहर के 100 से अधिक बच्चों को यहाँ बुलाया और जो गांधी के स्वरूप में थे, जो हम सब के लिए प्रेरणा के स्वरूप रहे हैं। आज वहीं 15 साल के कुशासन के बाद, भारतीय जनता पार्टी का कुशासन था 15 साल तक, उसके बाद कांग्रेस का सुशासन आया और भूपेश बघेल जी उसके मुखिया बने और उन्होंने जो कार्य किया इन 5 वर्षों में, तभी हर एक की जुबान पर है भूपेश है तो भरोसा है, भरोसे की सरकार और भरोसा बरकरार। आज किसान खुश है, नौजवान खुश है, महिलाएं खुश है, सर्वहारा वर्ग के लोग भूपेश बघेल जी के कार्यों की सराहना करते हुए न केवल सराहना कर रहे हैं बल्कि राज्य शासन की योजना से लाभान्वित भी हो रहे हैं। तो आज हमने शहर में ये पदयात्रा निकाली, लगभग 4 से 5 किलोमीटर की यह यात्रा थी, जिसमें सभी कांग्रेसजन और शहर के वासी उसमें सम्मिलित हुए। गांधी के जयंती के अवसर पर हमर दुर्ग लोक कला संस्था के द्वारा हमने गांधी के प्रेरणा स्रोत गीत और बच्चों का फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता आयोजन किया था, जिसमें दुर्ग नगर के सभी स्कूलों को आमंत्रित किया था और लगभग दुर्ग शहर के शासकीय और अर्ध शासकीय बच्चे यहाँ पर सम्मिलित हुए थे।
करीबन 150 की संख्या में लोग गांधी बन के आए थे, 150 की संख्या में लोग गांधी बन के आए थे। और हमारा उद्देश्य है कि गांधी के विचारों को आगे बढ़ाना, जो भारत को विश्वगुरु जो की संज्ञा दी जाती है, हम उस ओर बढ़ना चाहते हैं। और जिस तरीके से छोटे से पौधों को देख रेख की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से हम ये चाहते हैं कि बच्चों के माध्यम से गांधी जी के विचारों को आगे बढ़ाएं। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।